बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश व आबाद रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है ये NCOC की एक आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रीओपनिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ इस मीटिंग के बाद जो है शफकत महमूद साहब ने साथियों से बात करते हुए इस मीटिंग का तذکرہ करते हुए क्या कहा वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पता है कि आजकल जो काफ़ी डिस्कशन हो रही है वो स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रीओपनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो इस डिस्कशन को हम जो है वो रोज़ जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो आप लोग जो हैं इस जो न्यूज़ आज सामने आई है इसको आप अच्छा भी कह सकते हैं बुरा भी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के लिहाज से अच्छी न्यूज़ है जबकि स्कूल्स के लिहाज से बुरी न्यूज़ है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर जिसमें मतलब आर्मी जो है आर्मी हो गई और दूसरे सिविलियन अदारे जो हैं जो कि डिज़ास्टर को देखते हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, जो कि मतलब यह एक इस तरह कह सकते हैं कि मुल्क की सलामती को लेकर यह एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो है जो आज तजवीज़ आई है वो ये आई है कि स्कूल जो हैं वो फिलहाल न खोले जाएं और बल्कि सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएं, उसके बाद जो है वो कॉलेजेस ओपन किए जाएं और फिर जाके स्कूल्स ओपन किए जाएं। तो आप लोगों को पता है स्कूल ओपन के हवाले करने के हवाले से पहले भी काफ़ी लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं कि अब स्कूल जो है वो ओपन ना किया जाए। तो आज फिर NCOC की मीटिंग में भी ये बात डिस्कस की गई है कि स्कूल जो है वो बाद में ओपन किए जाएँ, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज ओपन की जाएँ, फिर कॉलेज और फिर स्कूल, मतलब मरलावार में हैं ये तलीमी अदारे जो हैं वो ओपन किए जाएँ। तो ये मीटिंग जो है इस मीटिंग के बाद जो है शफकत महमूद साहब जो हैं उनसे जब पूछा गया साहबियों की जानब से कि आप जो हैं वो 15 सितंबर को स्कूल्स भी और कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी तमाम ओपन करने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जो हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। तो शफकत महमूद साहब ने साफियों को जवाब देते हुए कहा कि 7 सितंबर की जो मीटिंग होनी है उसमें महकमा सेहत और दूसरे इदारों से डिस्कस करने के बाद हतमी फैसला होगा, फिर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब 7 सितंबर की मीटिंग होगी उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।